दो दिनों से सोशल मीडिया पर सिंगल अमाल मलिक और सलमान खान फैंस के बीच भीषण तनातनी देखने को मिल रही है। अमाल मलिक ने शाहरुख खान को अपने फेवरेट सितारा बताया, जिसके बाद उन्हें सलमान फैंस से धमकी पर धमकी मिलने लगी। अमाल मलिक ने भी बैक टू बैक सभी ट्रोलर्स को जवाब दिया और कहा कि सलमान खान की इज्जत करता हूं। दरअसल फैंस के साथ ऑनलाइन चैट के दौरान अमाल मलिक ने शाहरुख खान को अपना पसंदीदा एक्टर बताया। हालांकि उन्होंने सलमान खान को सुपरस्टार कहा, लेकिन शाहरुख का नाम आने की वजह से सलमान फैंस भड़क गए। फिर क्या था, सलमान के फैंस अमाल के पीछे पड़ गए और उनकी ट्रोलिंग होने लगी। लेकिन अमाल ने भी ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब जाकर मामला थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है। लेकिन इस बीच अमाल को जान से मारने तक की धमकी दे दी गई, जिसे अमाल ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस चैट के साथ शुरू हुई अमाल मलिक और सलमान खान फैंस की लड़ाई, जहां अमाल ने शाहरुख खान को अपना पसंदीदा अभिनेता बताया था। सलमान खान के फैंस ने अमाल के लिए ये शेयर किया, जिसमें लिखा कि जो सलमान खान से पंगा लेता है उसका बुरा हाल होता है। अमाल मलिक ने लिखा, हाँ, सलमान खान ने मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनने का मौका दिया और इसके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके फैंस मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। साथ ही अमाल ने लिखा, आज दुनिया को दिखा दिया गया कि इन अनपढ़ भाई स्टार्स की क्या औकात है। ये सब शाहरुख खान को पसंदीदा एक्टर बताने से शुरू हुआ और ये बेवकूफ पागल हो गए। मैं सलमान खान का सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके फैंस की बदतमीजी को भी बर्दाश्त करूंगा। बता दें कि अमाल मलिक डब्बू मलिक के बेटे हैं। अमाल ने अपना म्यूजिकल करियर सलमान खान की फिल्म जय हो से शुरू किया था, जिसमें उनका एक गाना था। बॉलीवुड की और भी इसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। Envy News, a ray of positivity. Envy News, a ray of positivity.